भगवान की
मुझे शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि दर्श कराने वाला जे शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि दर्श कराने वाला जे सुख करनी मधुर बोल जग पंथ खोल सतमार्ग बताने वाला बिगड़ी को बनाने वाला जे मधुर बोल जग पंथ खोल सतमार्ग बताने वाला बिगड़ी को बनाने वाला श्री राम जही घनश्याम जही श्री राम जही प्रभु के महिमा की आरती पापियों को पाप से है तारती श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती पापियों को पाप से है तारती पापियों को गणेशाय नमः श्री सरस्वती नमः श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः मातृपितृ चरण कमलेभ्यो नमः वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समं प्रभ्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्ये गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति पूजामूलं गुरुपदम् मन्त्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमम्
देवीं सरस्वतीं व्यास ततो जयं मुदीरयेत सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्यादिहेतवे तापत्रये विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः यम प्रव्रजन्तं मनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातर्याजुहा पुत्रीति तन्मयतयातर्वोभिनेदुःखितं तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि कान्तिः सीतामृषति निन्दितशारदेन्दु यत्रैकतो विलसितां सीताङ्गशोभा वृन्दावनेश्वरे दयामुनगाङ्गसङ्गं श्रीराधामुकुन्दयुगलं तदहं नमामि वंशी विभूषितकरावनवनीरदाभा पीताम्बरादरुणं बिम्बिफलादरुष्टं पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रं कृष्णात्परं किमपि तत्त्वमहं न जानामि श्रीकृष्णा किमपि तत्त्वमहं न जानामि कृष्णं नारायणं वन्दे कृष्णं वन्दे व्रज प्रियं कृष्णं द्वैपायनं वन्दे कृष्णं वन्दे प्रीतासुतं सर्गस्थिति निरोधार्थं कामकाममयोहियः तं कामं कामकामघ्नं कामाभावाय कामयै व्यासं व्यासकरं वन्दे मुनिं नारायणं स्वयं यतः प्राप्त कृपालोकः लोकामुक्तः कनीर्ग्रहः श्रीधरं श्रीधरं वन्दे श्रीधरे कैपरायणं यशेव श्रीप्रसादेन श्रीधरेयं कृतिः कृतौ
राधा भक्ति हरि ज्ञानम ताभ्याम याच समन्वितम् ताम श्री भागवतीं गाथा वंदे युगल रूपिणी कृष्ण प्रेम मई राधा राधा प्रेम मयो हरि हरि जीवनी धनी नित्यम श्री राधा कृष्ण गते मम जीवनी धनी नित्यम श्री राधा कृष्ण गते मम नीलांबर धरा राधा पीतांबर धर हरि जीवनी निधनी नित्यम श्री राधा कृष्ण गते मम सब द्वारे को छोड़ कर मैं आया श्री जी के द्वार ओ ऋषभानु की लाडली नक मेरी ओर निहंग ओ ऋषभानु की लाडली नक मेरी ओर निहंग बरसाने की राधिका नंदगांव के श्याम जिनके युगल चरणन में मेरो बारंबार प्रणाम जिनके युगल चरणन में मेरो कोटि कोटि प्रणाम जय राधे जय राधे राधे जय राधे जय श्री राधे प्यारो श्री कृष्ण
बिहारी रस विस्तारिणी प्रिय धारणी प्यारी श्री राधे प्यारो श्री कृष्ण प्राण प्यारी रूप जियारी अति सुकुमारी प्यारी श्री राधे प्राण प्यारी रूप जियारी अति सुकुमारी प्यारी सत सुख सागर
Jai Shri Radhe.
चुकिया हरी आपने हरिया पहने योग्य जोग चुकिया हरी आपने हरिया पहने योग्य ब्रजलता तरु बैठ कर पल भर करूं विश्राम ब्रजरज मुख में डार कर सब बोलो श्री राधेश सब बोलो श्री राधेश सब बोलो श्री राधे अखंड कोटि ब्रह्मांड नायक पूर्ण पुरुषोत्तम परम ब्रह्म चिदानंद आनंद कंद ब्रज जन नंदन देवकी नंदन वसुदेव नंदन मुकुंद भगवान श्री कृष्ण जिनके संग श्री किशोरी जो उन युगल छवि के श्री चरणों में हम सबका कोटि कोटि नमन कोटि कोटि प्रणाम उनसे हमारी प्रार्थना के सुंदर श्रीमद् भागवत महापुराण में अपना स्थान ग्रहण करें। सभी देवी देवताओं के श्री चरणों में हम सबका कोटि कोटि नमन कोटि कोटि प्रणाम सबसे हमारी प्रार्थना के सुंदर श्रीमद् भागवत महापुराण में सब अपना स्थान ग्रहण करें। इस स्थान की आदि देवी जग जननी जगत माया अपरांबा मां मनसा जिनके श्री चरणों में हम सबका कोटि कोटि नमन कोटि कोटि प्रणाम उनसे हमारी प्रार्थना की सुंदर श्रीमद् भागवत महापुराण में अपना स्थान ग्रहण करें। इस स्थान के ग्राम देवता स्थान देवता क्षेत्रपाल देवता सबके श्री चरणों में हम सबका कोटि कोटि नमन कोटि कोटि प्रणाम उनसे हमारी प्रार्थना की सुंदर श्रीमद् भागवत महापुराण में
अपना स्थान ग्रहण करें। सभी संत वृंद, आचार्य वृंद, ब्राह्मण वृंद सबको प्रणाम करते हुए उपस्थित सभी भाइयों बहनों माताओं और मेरे गोविंद के बाल स्वरूप उन बालकों के मन हृदय मंदिर में विराजमान श्री ठाकुर चरणों में प्रणाम करते हुए बोलो श्री सर्वेश्वर भगवान की, श्री राधा माधव भगवान की, श्री निम्बारक भगवान की, श्री स्वामी जी महाराज की, जगत गुरु श्री श्री जी महाराज की, बोलो भागवत भगवान की, वृंदावन बिहारी लाल की, जुगल जोड़ी सरकार की, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। किशोरी जी की हेतु की कृपा आज हम सबके ऊपर हुई और इसी कृपा के अनुगत परिणाम मानते हुए हम और आप सब राधा रानी की ही गोद में आके आज फिर विराजमान हुए। बंधु वो धन्य है यह भागवती वार्ता और धन्य है यह भागवत धर्म कि जिसके शरणागत हो के जीव राधा रानी के ही चरणों का कृपा पात्र बन जाता है, दास बन जाता है। कल कथा प्रसंगों में हम सब ने बड़ा ही सुंदर प्रसंग श्रवण किया कि समस्त ब्रजवासियों ने श्री गिरिराज जी महाराज को 56 भोग लगाए और अपने अपने मनोभावों से आज वो समस्त ब्रजवासी श्री गिरिराज जी महाराज को रिझाते हैं, मनाते हैं। ये बात जब इंद्र को ज्ञात हुई कि ब्रजवासियों ने मेरा पूजन करना छोड़ दिया है तो कहते हैं कि इंद्र क्रोधित हुआ और कहते हैं क्रोध ही जीव के विनाश का कारण बनता है। श्रीमद् भगवत गीता में साक्षात ये बात कही गई है। क्रोधात भवति सम्मोह, सम्मोहात स्मृति विभ्रमः, स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशः, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। क्रोधात भवति सम्मोह, क्रोध से कहते हैं सम्मोह की उत्पत्ति होती है। सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः और सम्मोह से स्मृति का विनाश होने लग जाता है। स्मृति भ्रंशात् बुद्धि नाशो, और जब स्मृति क्षीण होने लग जाए तो कहते हैं फिर बुद्धि का भी नाश शुरू हो जाता है। और बुद्धि नाशात् प्रणश्यति, बुद्धि के नाश से कहते हैं प्राण भी चले जाते हैं। इसलिए मानव को अकारण क्रोध नहीं करना चाहिए, ये बात श्रीमद् भगवत गीता कहती है। इसलिए इंद्र कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण को आज साधारण ग्वालिया समझता है कि भगवान श्री कृष्ण साधारण ग्वालिया है, अभिमानी है, मूर्ख है। ऐसे ऐसे शब्द भगवान के लिए इंद्र प्रयोग करता है। अपने आप को चतुर और बड़ा ज्ञानी समझता है परंतु वो मेरी शक्ति को नहीं जानता, मेरी शक्ति को नहीं जानता, अभी मैं उसके अभिमान को चूर कर दूंगा। यूं कह के कहते हैं इंद्र ने ब्रज के ऊपर बरसना प्रारंभ किया, बरसना प्रारंभ किया। समस्त ब्रजवासी भगवान के शरणागत हुए। कृष्ण कृष्ण महाभाग वन्नाथम गोकुलम प्रभु,
त्रातुमर हसी देवन कुपिताद भक्त वत्सला। हे कृष्ण, आप ही ब्रज के स्वामी हैं, आप भक्त वत्सल हैं, दीनानाथ हैं, हमारी इस दैवीय कष्ट से आप रक्षा करें। आप सर्व सामर्थ्यवान हैं प्रभु, हम अनाथों पर दया करें। भगवान समझ गए कि ब्रजवासियों के ऊपर इंद्र ने कोप कर दिया है, और मानो आज ब्रजवासियों की वो करुण पुकार सुनकर मेरे भगवान ने कह दिया कि मैं शरणागत वत्सल की सदा रक्षा करता हूँ। जो मेरी शरणागत हो जाए ऐसे जीव की मैं सदा रक्षा करता हूँ। सक्रिय देव प्रपन्नाय त्वासमिति जयाचते अभ्यं सर्व भूतेभ्यो ददामि तद व्रजं मम, ददामि तद व्रजं मम। मैं तुम्हारा हूं और तुम्हारी शरणागत हूं, ऐसा कहकर अगर जीव भगवान के शरणागत हो जाए, हे गोविंद अहम त्वामस्मि मैं तेरा हूं, तो वो भगवान भी कह देते हैं प्यारे अगर तू मेरा है ना फिर मैं भी तेरा ही हूं। मैं उसे विपदाओं से अभय कर देता हूं, विपदाओं से मैं उसे मुक्त कर देता हूं, यह मेरा व्रत है, अतः मैं ब्रजवासियों की रक्षा करूंगा। भगवान ने प्रतिज्ञा कर दी, जितने ब्रजवासी हैं सारे अपने पशुधन और अपने कुल कुटुंब परिवार को लेके मेरे शरणागत हो जाए। आज मानो समस्त ब्रजवासी भगवान के शरणागत हो गए। मेरे भगवान ने आज अगस्त ऋषि को कह दिया, हे अगस्त आप बड़े प्यासे थे, त्रेता में आप बड़े प्यासे थे, आओ अपनी प्यास बुझा लो। शेषनाग को कह दिया ब्रज के ऊपर लपेटा मार के बैठ जाओ, एक जल की बूंद भी नीचे नहीं आनी चाहिए। शेषनाग कहते हैं ऊपर बैठे हैं महाराज लपेटा मार के, अगस्त ऋषि उस जल को पीते जा रहे हैं और मेरे भगवान ने गिरिराज को धारण कर लिया, उसके ऊपर शेष बैठे हैं और उसका जल अगस्त जी पी रहे हैं और कहते हैं गोविंद ने गिरिराज को धारण कर लियो। समस्त बालक बाल ब्रजवासी गोधन पशुधन सब धन लेके भगवान के शरणागत हो गए। सबसे छोटी उंगली पे भगवान ने गिरिराज जी को उठायो है। यशोमती मैया, मैया को चिंता हुई कि हे बालक वालो जरा थोड़ा थोड़ा सहारा तो तुम भी लगा लो, कि धर्म का कार्य भगवान कर रहे हैं, कि धर्म का कार्य तो कोई एक व्यक्ति करता है प्यारे, परंतु सहयोग की लाठी तो पूरे समाज की लगनी चाहिए, तभी तो वो धर्म का कार्य पूर्ण होगा। आज मेरे भगवान ने गिरिराज जी को उठा लियो और बालक वालों को मैया कहती है कि हे बालको थोड़ा थोड़ा सहारा तुम भी दो। यूं कही यशोदा मैया जरा जोर लगा रे भैया, गिरिवर को बोझे अपार कन्हैया मेरो वार, लाला की नर में कन्हैया कहीं हर के न जाए रे भैया,
कैसे झेले इनको भारे। कि मात्र 7.5 वर्ष के मेरे लाला मेरे ठाकुर हैं, तो गिरिराज जी इतने लंबे चौड़े हैं। परिक्रमा जब लगाते हैं गिरिराज जी की, कितनी परिक्रमा है? 21 किलोमीटर की परिक्रमा है प्यारे। हाँ, इतने बड़े गिरिराज जी को भगवान श्री कृष्ण ने सबसे छोटे उंगली पे उठा रखे हो, छोटे से बालक ने। हाँ, मैया को चिंता है गई। हाँ, लाला की नर में कन्हैया कहीं मुर्ग न जाए भैया, कैसे झेले इनको भार रे कन्हैया मेरो वारो। यों कही पूछ री वारो लटिया को दियो रे सहारो, रे मन भजले कृष्ण मुरार कन्हैया मेरो वारो। पूछ री वारे संत कहते हैं कि रे मन तू किसे भज, अगर भजने भजना ही पड़े ना इस जगत में तो कृष्ण नाम को भजे प्यारे। हाँ, वही है केवल तुझे तारने वाला, वही है केवल एक तेरा सहारा। जब गोपींद्र ने कीनो झट गोबर धर धर नीनो, इंद्र ने गोप की उभारी। हाँ, और भगवान श्री कृष्ण ने गिरिराज जी को सबसे छोटी उंगली पे धारण कर लिया। हाँ, फिर क्या हुआ? बादल बरस बरस गए हारे कन्हैया मेरो वारो। बादल बरस बरस के हार गए प्यारे, मेघ बरस बरस के हार गए। क्यों? हा? मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है मेरे प्यारे। हा? डुबोने वाले से तारने वाला बड़ा होता है। इसलिए आज मेरे भगवान ने ब्रजवासियों की रक्षा करी। पूछते हैं महाराज बालकवाल, प्रभु इतनी शक्ति कहाँ से आई तुम्हारे अंदर? बीच बीच में प्रयास भी करते हैं बालकवाल, कहा लाला गिरिराज जी तुमने थोड़े उठा रखे हैं, ये तो हमने सहारा लगाया तब तुमने उठाया। भगवान का अच्छा, कहा मैं 2 मिनट हट जाऊं जरा, भगवान ने थोड़ी सी उंगली नीचे करी, गिरिराज जी नीचे आने लगे। हाँ, बालक वाला भगवान के चरणों में पड़ गया, अरे नहीं लाला ऐसा मत करियो, हम सब मर जाएंगे। हाँ, अपने सहारा लगा के रखो ठाकुर। हाँ, हम तो परिहास कर रहे थे। हाँ, कछु गोपिन करी सहा श्री राधे जी की गिर पाते गिरिवर लियो उठाए, मोहि गिरिवर लियो उठाए। कछु माखन को बल बड़े हो, कहा जो चुरा चुरा के बचपन में माखन खाया था ना, उस शक्ति तो सुमाखन की बड़ी महाराज। हाँ, कछु गोपन करी सहाय। हाँ, बाकी सहायता आप बालक वालों की है, बाकी श्री राधे जी की कृपा थे। हाँ, कहते हैं गिरिराज जी तो किशोरी युग के नेत्रों ने उठा रखे थे महाराज। हाँ, क्योंकि ठाकुर की दृष्टि राधा रानी के नेत्रों पर है। हाँ, ये शक्ति देने वाली है किशोरी जू, राधा रानी बरसाने वाली। हाँ, इन्होंने ही गिरिराज जी को उठा रखे हैं। इसलिए महाराज जब बहुत समय बीत गया, 7 दिन बीत गए थे महाराज। हाँ, कितने लंबे चौड़े गिरिराज जी? 7 कोस के। 7 दिन तक मेरे भगवान ने सबसे छोटी उंगली के ऊपर इन्हें धारण करके रखे। हाँ, बादल बरस बरस गए हार कन्हैया मेरो वारो। बादल भी आज बरस बरस के, इंद्र कहता
काले मेघ परे काले में घोर जल लाओ और जल लाओ। काले मेघ कहते महाराज कहाँ से लाएं, वो तो जल भी समाप्त हो गया, अब जल कहाँ से लाएं। जब इंद्र को ये बात पता चली तो इंद्र समझ गया महाराज कोई साधारण भगवान नहीं है, जीव भगवान के ऊपर बड़ी शंका करता है, बड़ी चिंता करता है। और प्यारे अंततः जीव को भगवान की ही शरणागत होना पड़ता है। कली काल के जीव है ना, थोड़े दिन अगर भगवान कृपा ना करें तो भटक जाते हैं, फिर न जाने किस किस दर भटकते हैं, कभी इस दर कभी उस दर, कभी वहां कभी वहां, फिर अंततः जब देख लेते हैं कहीं कोई सहारा नहीं मिला तो फिर अंततः अपने सनातनी भगवान के शरणागत ही होना पड़ता है प्यारे। क्यों? क्योंकि इनसे बड़े देवता इस संसार में दूसरे कोई नहीं है। इसलिए कहा प्यारे कि आज इंद्र समझ गया साधारण देवता नहीं है, इसलिए वहीं से ही लौटता लौटता भगवान की परिक्रमा करता आया। कहते हैं ये पहला विदेशी नागरिक है जो गिरिराज जी की वहीं से इंद्र लोक से ही लौटते लौटते परिक्रमा करता रहा है। आजकल तो देखते हैं ना गिरिराज जी के रास्ते के ऊपर लोग लौट लौट के परिक्रमा लगाते हैं। ये पहला था, सबसे पहला जिसने गिरिराज जी की वास्तव में परिक्रमा करी। महाराज वहीं से लौटता आया। विशुद्ध सत्वम तव धाम शांतम तपोमयं भस्तं रजस्तमस्तकम् मायामयोऽयं गुणसंप्रवाहः न विद्यते इति गृह्णानानुबन्धः न विद्यते इति गृह्णानुबन्धः। हे भगवान, आपका स्वरूप रजोगुण तमोगुण से रहित ज्ञान में एवं शांत है, आप विशुद्ध अप्राकृतिक सत्वमय हैं, आपका स्वरूप ज्ञान न होने पर ही भ्रम हो जाता है प्रभु। ऐश्वर्य मद से प्रभु मैं आपकी सत्ता को भूल गया था, हे प्रभु मुझे क्षमा कर दो, मुझे क्षमा कर दो। नमस्तुभ्यं भगवते पुरुषाय महात्मने वासुदेवाय कृष्णाय सद्गतांपतये नमः। हे सर्वांतर्यामी पुरुषोत्तम, आप सर्वात्मा रूप से वासुदेव हैं, आप भक्तवत्सल यदुवंशों के शिरोमणि हैं, मैं किंचन आपको बार बार प्रणाम करता हूं। हे प्रभु बहुत बड़ा अपराध हो गया है मुझसे, मुझे क्षमा कर दो, मुझे क्षमा कर दो। प्यारे बहुत आश्चर्य होगा आपको, इंद्र के इतने वाक्य कहने से भगवान ने जो उत्तर दिया होगा, भगवान ने ना तो ये कहा मैंने तुम्हें क्षमा कर दिया, भगवान ने ना और कुछ कहा, भगवान ने सीधे इंद्र को कहा इंद्र मांग मुझसे क्या मांगता है। आश्चर्यचकित है समस्त देवता ऊपर खड़े हुए जो देख रहे हैं, आश्चर्यचकित है जगत के सारे प्राणी और आश्चर्यचकित है स्वयं इंद्र। छोटा अपराध नहीं किया था इंद्र ने, लाखों करोड़ों बालक वालों को गायों समेत पशुधन समेत मारने की कोशिश करी जल से डुबो के, परंतु क्या इनसे दयालु कोई देवता हो सकते हैं? कृष्ण से दयालु इस जगत में दूसरे कोई देवता नहीं हो सकते प्यारे। कहा हे प्रभु नेत्रों में श्रुधारा बह रही है इंद्र के, और इंद्र कह रहे हैं हे प्रभु मांगना तो बहुत दूर की बात है, आप मुझे क्षमा कर दो बस एक बार, क्षमा कर दो। भगवान कहते हैं वो तो मैंने कब का कर दिया, तुम मेरे शरणागत हो गया, शरण गए प्रभु जाही न त्यागा विश्व द्रोह कृत अगजे ही लागा। मानस की पंक्ति है कि हे प्रभु
मुझे क्षमा कर दो, भगवान कहते हैं तो मेरी शरण में आ गया, क्षमा तो पहले ही हो गया। कि दुनिया में कहीं भटक के भी अंततः हम भगवान के शरणागत हो जाएं, प्यारे प्रभु के शरणागत हो जाएं। हाँ प्रभु तो क्षमा करने को तैयार बैठे हैं, परंतु क्या हमने भगवान के आगे हाथ जोड़े, क्या हम भगवान के शरणागत हुए? कृपा करी मेरे भगवान ने इंद्र के ऊपर कहा, इंद्र मांग मुझसे क्या मांगता है। रुत हुई, इंद्र फिर कहते हैं प्रभु क्षमा कर दो, अब यह दान दे दो। हे प्रभु मुझे क्षमा कर दो। भगवान कहते हैं मांग इंद्र, अब देरी मत कर। इंद्र सोच में पड़ गया, क्या मांगो भगवान से। कहा प्रभु आपका दिया हुआ इंद्रासन है मुझे, मेरे पास सब कुछ दिया आपने, फिर भी और कृपा करना चाहते हो तो हे प्रभु कुरुक्षेत्र की रणभूमि में जब मेरा पुत्र अर्जुन कौरवों की अक्षौहिणी सेना से घिरा होगा, उस समय हे प्रभु उस रणभूमि में आकर आप मेरे पुत्र की रक्षा कर देना, बस मैं आपसे यही मांगता हूं। भगवान ने तथास्तु कह दिया, हे इंद्र पूरी हो गई तुम्हारी इच्छा। और भगवान इस इच्छा के लिए अर्जुन के बने भी तो क्या कहा सारथी, सारथी बन के मेरे भगवान ने वो यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानम सृजाम्यहम्। भगवान अपने प्यारे के लिए उसके सारथी बन जाते हैं। प्यारे वो भगवान अगर अर्जुन के सारथी बन सकते हैं तो क्या वो हमारे जीवन के इस डोर के इस जीवन के रथ के सारथी नहीं बन पाएंगे? बन पाएंगे प्यारे, परंतु अपने भगवान को हम रिझाएं तो सही, मनाएं तो सही, अपनाएं तो सही। हाँ वो तो कृपा करने के लिए तैयारे बैठे हैं, दया करने के लिए तैयारे बैठे हैं। आज मानो बहुत बहुत आशीर्वाद मेरे भगवान ने इंद्र को दिया, और इंद्र भगवान को प्रणाम करके अपने लोक को गए। समस्त बाल ग्वाल भगवान को ही अपना सर्वेश्वर मान के कहते हैं, उन्हें की कृपा के अनुरूप प्रणाम को मानकर भगवान की सेवा में तत्पर हुए। और फिर से आज से श्री गिरिराज जी महाराज का ब्रज में पूर्ण रूप से पूजन होने लगा, निधिध्यासन होने लगा। बोलो श्री गिरिराज महाराज की, बोलो गिरिराज धरण भगवान की जय। जय श्री राम, जय जय श्री राम। आगे चल के मेरे भगवान ने वो क्रम चलता रहा आगे से आगे। आज उस प्रलंबासुर का वध मेरे भगवान ने किया, दैत्य संहार किया मेरे भगवान ने, और आज कथा आगे बढ़ती हुई कहते हैं एकादशी की तिथि आई। एकादश्याम निराहार सम भर्जे जनार्दनम स्नातुम नंदस्तु कालिन्द्य द्वादश्यामं जलमाविशते द्वादश्यामं जलमाविशते। सुखदेव जी बोले, हे परीक्षित, नंदराय ने कार्तिक शुक्ल एकादशी का उपवास किया, और कहते हैं कि भगवान नारायण का पूजन किया, उसी रात द्वादशी लग गई। एकादशी की रात्रि को ही द्वादशी लग गई, अतः रात्रि में वो यमुना में स्नान करने चले गए। धर्म कहता है कि रात्रि में तीर्थों में नदियों में स्नान नहीं करना चाहिए, वरुण के गुप्तचर पकड़ के वरुण लोक ले जाते हैं।
स्त्रियां स्वरूप हैं नदियां, उनका श्रृंगार होता है। इसलिए किसी तीर्थ में, किसी नदी में गंगा यमुना